Welcome, Aparna ji, to the show. Today we are celebrating day 9 of Ram Navami. Ms. Aparna Lakshmi Singh is a cyber crime intervention officer, founder of Cyber Tiffin Support. She's a bilingual poet and has a YouTube channel to her credit, right? Yeah. So let's begin with Aparna ji, aapke saath. What is it that you feel that women actually are working on and what is their power? Yeah. सभी दर्शकों को नमस्कार एंड धन्यवाद. बहुत शालिनी आपका इनवाइट करने के लिए, भविष्या आपका बहुत धन्यवाद, और ज्योति आपसे मिलके अच्छा लगा. बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑनलाइन, सो दैट इज वेरी नाइस. जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ 9 दिन का विषय नहीं है, वो हमारी जिंदगी का विषय है. स्त्रियों के लिए उनकी जिंदगी की अहमियत उससे ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता. लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपनी जिंदगी को ही अहमियत नहीं देते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में ही हम उतने सजग नहीं हैं. और हम एक वृक्ष की तरह हैं जो जड़ों में जमा रहता है, उसके इर्द गिर्द दुनिया चलती रहती है, और वो वृक्ष बढ़ता तो है लेकिन वो अपनी जगह बिल्कुल तटस्थ रहता है, हिलता नहीं है. तो वृक्ष का विकास तो हो रहा है लेकिन वृक्ष को यह देखना है कि उसको विकास उसी जगह पे खड़े होके करना है या उसको अपनी जड़ें ऐसे फैलानी है कि उसकी जड़ें सशक्त भी हों और उसकी पहचान भी हो. तो इस बारे में हमें खुद ही विचार करना है. और आज का ये सेशन मैं शुरू करना चाहूंगी अपने समय की एक फेमिनिस्ट आइकन को श्रद्धांजलि देने के लिए. कमला भसीन जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका जन्म 24 अप्रैल 1946 को गुजरांवाला में हुआ था. और शी वॉज द मेन फेमिनिस्ट आइकन ऑफ आवर टाइम्स एंड आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस नो हर. वो फूड एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी और उसके बाद उन्होंने एक एनजीओ संगत नाम से चलाया. वो पितृसत्ता के विरुद्ध बहुत काम करती थी. तो उनका कहना यह था कि ये लड़ाई जो है, जो लोग कहते हैं कि नारीवादी बातें आप करते हैं, ये एक लड़ाई है पुरुषों के विरुद्ध. तो ये पुरुषों के विरुद्ध लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है असमानता की. और इस विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई है कि एक पक्ष यानी कि मेल जेंडर जो है वो सत्ताधारी है, उसको सारी पावर्स हैं और उससे सारी सत्ता दूसरों तक आती है. तो उनको इस बात से बिल्कुल सख्त विरोध था. और उनकी खास बात यह थी कि वो कम्युनिटीज में काम करती थी. जागोरी एक विमेंस कलेक्टिव उन्होंने चलाया जो कि बहुत ही सशक्त काम करता था. 1 बिलियन राइजिंग का शी वॉज द साउथ एशिया कोऑर्डिनेटर. 1 बिलियन राइजिंग माने 1 बिलियन रेप्स जो होते हैं, इतनी विमेन अफेक्टेड रहती हैं इस रेप से. मूवमेंट बाय इवा एंसला, शी वाज अ साउथ एशिया कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस मूवमेंट. वो बहुत लिखती थी, कई कविताएं लिखती थी, गांव-गांव में लिखती थी और औरतों को जागरूक करती थी अपने अधिकारों के बारे में. तो उनका एक गाना था, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं. Okay. और कई स्लोगन उन्होंने दिए. और उनका कहना था कि स्लोगन सिर्फ हम कहीं लिखते हैं, कहीं छापते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम कम्युनिटीज को उससे ना जोड़ें, जब तक कि वो लोगों से ना उठ के आए, उन स्लोगन्स का कोई लाभ नहीं है. और इसी गाने के साथ, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं, उनको आखिरी विदाई 25 सितंबर को, इसी साल 25 सितंबर को कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई. और औरतों ने ही जुट के, औरतें ही उनकी पॉल बेयरर्स थी, औरतें ही उनको आखिरी विदाई तक ले गई और ये गाना गाते हुए ले गई कि तोड़ तोड़ के बंधन को देखो बहनें आती हैं. तो बहनों, हम लोगों को बहुत कुछ मिला है और जो हमको मिला है वो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, हमें दूसरों के लिए भी उसको कायम रखना है, क्योंकि हमको देखने से औरों को शक्ति मिलती है और शक्ति जिसका संचार हमसे निकल कर औरों तक होता है. जैसे कि अहिल्याबाई होलकर की बात होती है, आजकल एक शो आ रहा है, उसमें उनके गुरुजी कहते हैं कि तुम अगर पढ़ के नहीं दोगी, तुम अगर कुछ करके नहीं दिखाओगी तो सदियों के लिए औरतों पे कलंक रहेगा कि ये नहीं कर पाई. तो विमेन आर डूम्ड टू फेल. सो अगर बहनों आप कहीं पहुंचती हैं तो आप एक आइकन है दूसरों को राह दिखाने के लिए, दूसरों को इंस्पायर करने के लिए. सो आई थिंक दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस फेमिनिटी वीक, फेमिनिज्म वीक जो हम मना रहे हैं. और सिर्फ हम दुर्गा को आरती करते रहे, दुर्गा को पेडेस्टल पे बिठाते रहे, लेकिन हम व्यवहार में वह चीज ना लाए, हमारे दिमाग में वह समानता नहीं है, हमारे विचारों में शुद्धता नहीं है, हमारी नजर में अगर सम्मान नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं.
that's all I would want to say. Thank you so much. Now it's very well said, and how apt it is for today's time. Aparna ji, हमारे पास multitasking है. Aparna ji में कितने सारे talent हैं? Dance, music, art, poetry, then cyber security में भी अच्छा सा कर रहे हैं. आज आप हमारे साथ as a poet आए हैं, so हम कुछ सुनेंगे आपसे के ख्यालात. कि आपको भी क्या इन सब महिलाओं से इंस्पिरेशन मिलती है पोएट्री लिखने की, जब इस तरह की कोई बात होती है? बिल्कुल भविष्या, थैंक यू सो मच. इसमें एक विचार करने के बाद सभी दर्शकों के लिए एक पॉइंट छोड़ना चाहूंगी कि कई बार हम पैट्रियार्की का, कई बार हम पितृ सत्ता के, हम माने स्त्रियां पितृ सत्ता की सबसे बड़ी रक्षक स्त्रियां ही बन जाती हैं. हम yes. वो इन्फोर्स करते रहते हैं जो हमने सुना है, जो हमने सहा है. तो हम कई बार कहते हैं कि हमने भी तो किया था. तो हमने भी तो किया था, वो समय अलग था और हमारे पास शायद वो इट वाज देयर चॉइस. इट वाज नाउडेज वी इन्फोर्स सर्टेन थिंग्स फ्रॉम अदर्स. हम कई औरतों को कई चीजें करने के लिए जबरदस्ती करते हैं कि हम भी तो यही करते हैं, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ था, तो तुम्हारे साथ हो रहा कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन गलत तो गलत ही है. हमारे साथ हुआ था, हमने वो सह लिया, लेकिन अब हमारे पास शक्ति है कि हम दूसरे को सपोर्ट करें कि उसको वो ना सहना पड़े. सो प्लीज अपने मन को खंगालिए, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को, सबको खंगालना है, सोचना है कि जो हम कर रहे हैं वो क्या स्त्रियों के हित में है. Largest group of migrants traditionally in the world is women. हम migrants की बात करते हैं, लेकिन आप हम migrants हैं. आप हम ही खाना बदोश हैं. क्यों? क्योंकि हम अपने घर छोड़ छोड़ के जहाँ जहाँ husbands की posting होती है वहाँ जाते हैं. So we are the largest group of migrants. Do we realize that? Do we see ourselves as that? और उसकी वजह से कई बार होता है नौकरियाँ औरतों को भी अपनी छोड़नी पड़ती हैं, अपनी पोस्ट yes. छोड़नी पड़ती है, अपनी सैलरीज छोड़नी पड़ती है. आई हैड इनवाइटेड एंट्रीज फॉर दिस इवेंट और मुझे बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भेजी हैं. अफसोस की बात यह है कि सिर्फ स्त्रियों ने ही भेजी हैं, पुरुषों ने नहीं भेजी. लेकिन फिर भी ये मंजू श्रीवास्तव जी हैं, शी इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड पोएट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए एंड शी हैज सेंट दिस पोएम. शी राइट्स इन हिंदी, बहुत अच्छा लिखती है हिंदी में. आप सुनिए इनकी कविता का शीर्षक है सृजना. नारी तो एक अद्भुत रचना, नारी पर क्या रचना रचना. अपनी देह और अंतन मन से नित गढ़े कहानी वह सृजना. कंचन कोमल देह स्वामिनी, दर्प चांद का भी हर ले तू. अपना मान बचाने हेतु अग्नि परीक्षा भी देती है तू. भाषा सी बाकी छवि तेरी, शब्दों का तिलिस्म है तुझमें. दीपक सी जल राह दिखाती, प्रखर सूर्य सा ताप भी तुझमें. भावों का संसार है अंदर, ख्वाबों का एक खार समंदर. जिजीविषा जीने की तेरी, रख लेती हर गम को बस अंदर. सुर भूप रहे तेरी शरणा, तुम प्राण सुर भी अमृत करुणा. आशीष शिखर आसीन सदा, नारी जीवन निर्झर झरना. ये कविता थी मंजू श्रीवास्तव जी. ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच. उनकी ओर से आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद. शायद टाइम लैप्स, टाइम गैप की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए. दीप्ति अग्रवाल हमारी यहीं की श्रोता हैं, मेरी मित्र हैं और बहुत अच्छी पोएटस हैं. उन्होंने इंग्लिश में कविता भेजी है. माइटी गॉडेस दुर्गा. ओ माइटी गॉडेस दुर्गा, सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ योर ग्रैंडर. Let me submerge in your worship. Help me not to wander. You rule the darkness, banishing demons of the night, cleaning the aura with all your glorious might. O valiant Mother Divinity, let us engulf in your affection. Liberate from the clutches of dark, immerse in your devotion. Light the fire of truth, burn slackness and callousness. Let me be empty to be one with oneness. ये थी दीप्ति की कविता. शायद दीप्ति ने ज्वाइन किया होगा. दीप्ति अग्रवाल की कविता थी. Beautiful, beautiful poem. बहुत सुंदर उन्होंने लिखी. हाँ जी. और एक कविता भेजी है रश्मि संगनेरिया ने. इनकी कविता का शीर्षक है शक्ति पीढ़िनी.
पीढ़ियां जो होती है ना, हमारी जनरेशन, उस पर कविता है। दादी से नातिन मेरी पीढ़ियां हो गई, दादी से नातिन मेरी पीढ़ियां हो गई, पोती से नानी मेरी उम्र की सीढ़ियां हो गई, हर सीढ़ी तजुर्बा बनी, जीवन की राह बनी, राह की चुनौतियां पगडंडियां बनी, हार नहीं बनी क्योंकि मैं नारी स्त्री औरत हूँ, हार को गले में श्रृंगार सा दृढ़ता से स्वीकारती, दृढ़ता मेरी खूबसूरती है, उससे व्यक्तित्व निखारती हूँ, निखार के इस प्रसाधन का उपटन करती हूँ, व्यक्तित्व सौंदर्य मौसमी थपेड़े सह जाएगा, ऐसा ज्ञान का टीका लगाती हूँ, साहस और आध्यात्म का कवच पहन कर्म की ढाल थामती हूँ, काल रात्रि बन भय भगाकर आगे बढ़ती हूँ, स्वयं सिद्धि कर स्वशक्ति बनती हूँ, सौम्य सरल सहज संस्कारी हूँ, मंगला हूँ शुभकारी हूँ, लेकिन दुष्ट पर बला हूँ अबला नहीं हूँ, कोमल हूँ कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं नारी स्त्री औरत हूँ, कमजोर नहीं मैं ही शक्ति हूँ। ये कविता थी। ब्यूटीफुल, ऑल थ्री पोएम्स आर वेरी ब्यूटीफुल जी। और जैसे इन्होंने लिखा है कि शक्ति हमारे अंदर ही है और दृढ़ता से थामना है हमको शक्ति का अपनी और ज्ञान का, तो वो आई थिंक दैट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम्स कि हमको बाहर से सपोर्ट तभी मिल सकता है जब हम खुद अपने आप को सशक्त कर सके और ज्ञान का हाथ थामे। ये मैसेज इन पोएम्स से था। आई होप लोगों को पसंद आई होंगी और अपनी पोएम अगले दिन किसी और दिन पढ़ूंगी, शायद आज समय उतना नहीं होगा। वन मैसेज वी वुड लाइक टू हैव इन वन लाइन ऑफ फ्रॉम एवरीबॉडी एंड देन वी वाइंड अप द शो। अपर्णा जी, अ मैसेज फ्रॉम यू। या सो द कंपटीशन इज विद आवरसेल्व्स, द कंपटीशन इज ऑलवेज विद आवरसेल्व्स। मैं कल जो थी वो आज नहीं हूँ और कल के दिन शायद मैं वही नहीं रहूंगी, तो सशक्त होने का मतलब और प्रगति का मतलब यह है कि जो कल हमें गलतियां थी, जो कल खामियां थी या जो कल हमें अवेयरनेस नहीं थी, वो आज के दिन हमें है। एंड टू कीप ग्रोइंग एंड टू कीप लर्निंग इज टू बी एम्पावर्ड। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू। बाय बाय।